पूछ रहे हैं क्योंकि एक बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगा नीतीश कुमार ने, तो आप लोगों ने बोल दिया ये ले नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दें, ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो ये सोल्यूशन है या ये राजनीति है? नवल जी देखिए, राजनीति तो समाधान प्राप्त करने का सबसे सुलभ और संस्कृत जो है संस्कृति पूर्ण रास्ता है। राजनीति बुरी अगर होती तो प्रधानमंत्री क्यों बनते, लोग वोट क्यों देते, लोकतंत्र क्यों होता। राजनीति समस्या का समाधान ढूंढती है, और पिछले 20 साल में मात्र अगर 37 महीना हटा दीजिए तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही, जदयू की सरकार रही है बिहार में। बिहार के बंटवारा के बाद बिहार के समस्याओं का समाधान के लिए बार बार चर्चा और मांग उठाते भी रहे हैं हम लोग। सबसे शुरुआती दौर में उठाए, उस समय भाजपा की सरकार थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय की माननीय मुख्यमंत्री ने मांग भी किया। पता नहीं भाजपा और जदयू में क्या घाट में हुआ कि उस मांग को रुखवा दिया गया कि नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब इसको देंगे। तो ये जो इतने सालों के बाद भी अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, अब तो उनका भाषा भी बदल गया है, समझौता की ये पराकाष्ठा है, वो तो कहें विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे सकते हैं तो आप हमें विशेषता कैसे दीजिए। इतना शर्मनाक है किसी राज्य का प्रतिनिधित्व जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो, वो इस तरह की भाषा उसकी पार्टी इस्तेमाल करती है, जबकि हर किसी को मालूम है इस देश में कि बिहार का जो बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मानव संसाधन आया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो झारखंड के पास गया, वो असमान बंटवारा का। नहीं नहीं नवल जी मैंने इसलिए पूछा कि एक सरकार तो नीतीश कुमार आपके साथ भी चला रहे थे, तब तो बिहार का स्पेशल स्टेटस भूल गए आप, तब उनका इस्तीफा आपने नहीं मांगा, आज आप इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले। देखिए उस समय आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम सांस में आए तो जो जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी जन्मों में सपनों में नहीं कराना चाहती थी उसको हम लोगों ने कराया। आपने देखा कि जब हम वो करा रहे थे तब भी उसको रोकने का प्रयास भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में किया। ये जो इनकी अपनी राजनीति है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश के लिए सोचना चाहिए, 10 साल से आप क्या कर रहे थे, आपकी समस्या क्या है, देश का मतलब आपके लिए है मोदी सरकार, देश के लिए आपका मतलब है भाजपा, देश के लिए मतलब है आपका संघ, ये समझदारी की संकट है। देश का मतलब बीजेपी है क्या? के शर्मा जी वो कह रहे देश का मतलब भाजपा, देश का मतलब मोदी सरकार, आपने देश की परिभाषा बदल दी है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पर वो। हाँ नहीं नहीं मैं आप मुझे बड़ा आश्चर्य कि नवल किशोर जी ये बता रहे भाई यूपीए सरकार में तो आप थे ना, 10 साल तो आप साथ खड़े थे, तो आप यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला पाए, क्या कर रहे थे आप यूपीए सरकार के साथ, कौन सा गठबंधन था आपका, तब आपने ना कभी डिमांड की ना कभी दिला पाए आप वहां पर। तो ये जो है अपने करतूतों को ध्यान कीजिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस समय सुचिता जी, बगल में भाटी साहब बैठे हैं, उनके बगल में नवल जी हैं। अभी भाटी साहब बता रहे थे कि जो बैसाखी है उसकी विचारधारा नहीं मिलती, कभी भी सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाएगा। यहाँ नवल जी बैठ के कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार जी तो ऐसे साथ में सब कुछ, यानी अगेंस्ट भी हो रहा है लेकिन फिर भी साथ खड़े हुए। हाँ। तो ये देखिए कि ये इंडी गठबंधन जो है इसके दो मैंने दो पार्टियों के बीच में इनके कितने बड़े मतभेद है। एक किस कह रहा है कि कमजोर है, दूसरा कह रहा है कि नीतीश जी तो एकदम उसके साथ खड़े हुए हैं, जो है मोदी जी के साथ में खड़े हुए, तो दोनों की सोच में कितना अंतर है इससे आप समझ सकते हैं। इसमें आपसे समझ में नहीं है इनका, कुछ भी नहीं पर केवल इनको यहाँ पर बैठ के लफाजी करना है, कुछ भी बोल के जाना है, जी बगल में कुछ भी कह देना है कि कल गिर रही है परसों गिर रही है। मलूक जी बैठे हुए हैं, मलूक जी ने जो एक राय रखी है ना शर्मा जी, आपसी सामंजस्य भी नहीं है जो मलूक जी ने राय रखी। मलूक जी ये जो बात अभी कल अखिलेश जी ने कही है कि मौसम बदलेगा और उसी तरह सरकार बदलेगी, तो जब वो ये बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आपकी जैसी पार्टियों पर भी होता है, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर आरएलडी हो, भाई मौसम तो तभी बदलेगा जब साथी बदलेंगे। देखिए कहने में तो क्या है, कोई कुछ भी कहता रहे, और 1962 के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार तीसरी सरकार बन रही है, और देश के लिए काम करने की जरूरत है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है,
उसमें नकारात्मक कोई भी काम कांग्रेस रोज करती रहेगी और देश को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। और कांग्रेस एलाइज के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं अभी टेलीविजन पे, नवल किशोर साहब, वो तो देश से ऊपर बीजेपी कर दी, देश से ऊपर पार्टियां कर दी, देश से ऊपर बहुत सारे मुद्दे कर दिए। अरे देश सबसे ऊपर है और देश के अंदर हम सब बहुत छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। देश बहुत बड़ी चीज है, पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। और जो पॉजिटिविटी की तरफ ले जाकर के चीजों को संसद में कहेंगे, अरे संसद में बोल नहीं पाते, संसद में चर्चा कर नहीं पाते, संसद में खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे, देश के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे, 1947 के बाद संसदीय परंपराओं के खड़े होते ही तुम खिलाफ बोलोगे। जो सबसे ज्यादा देश में कांग्रेस की सरकार रही है, उस कांग्रेस की परंपराओं के देश में तुम खुद ही उसी पार्टी में, उसी पार्टी के पहले प्रधानमंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हो। पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज जा रहा है, हमारे देश की शिक्षा की क्या स्थिति हो रही है? संसद में खड़े होकर के बोल रहे हो? अरे संसद में खड़े होकर के बोलना है तो खड़े होकर के बोलो, खड़े होकर के बोलो, यूजीसी पे बोलो, जो इसकी संसदीय प्रणाली है एचआरडी मिनिस्ट्री में, उस पर कहाँ कहाँ खामियां, इसमें बोलो क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर बोलो क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, इस पर बोलो। अब इसकी गारंटी कौन लेगा भाई? इस पे बोलो मलुक जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस पे बोलो, बोलने के लिए मुद्दे बहुत है भाटी जी, लेकिन गारंटी कौन लेगा कि बोल पाएंगे संसद में? वहाँ शोर शराबा नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, सब अपने अपने हिस्से का बोल लेंगे, ये कैसे कौन गारंटी लेगा भाई? नहीं, मलूक जी ने कहा कि इन इन मुद्दों पे बोलो, और आप भी कह रही हैं, आप तो कह रही हैं कि बोलने कौन देगा, हम कह रहे हैं सुनेगा कौन? विपक्ष क्या बोल नहीं रहा लगातार? विपक्ष क्या अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रहा? अग्निवीर योजना युवाओं के खिलाफ है, इसे खत्म करो। विपक्ष का किसान को MSP की गारंटी की बात नहीं उठा रहा है क्या? विपक्ष क्या महंगाई की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या पुरानी पेंशन की बात नहीं उठा रहा है? विपक्ष क्या शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां आई हैं उन्हें उनकी सुधार की बात नहीं उठा रहा लगातार? जब सरकार कान में रुई लगा के बैठी हो, और नवल किशोर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मोदी जी अपने आप को देश से ऊपर मानते हैं, जो सही है, अपनी पार्टी को देश से ऊपर मानते हैं, देश की समस्याओं के प्रति वो जागरूक ही नहीं है। और ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो PDA का नारा दिया है, और PDA अभियान जो लोकप्रिय हुआ है, और PDA अभियान ने जोर पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं। इसीलिए ये ऐसे विवादास्पद मुद्दे लेके आ रहे हैं कि कभी कहते हैं दुकानों पर नाम लिखना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान की पहचान कर दिखानी पड़ेगी कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनके सहयोगी दलों का भी, JDU, RLD और आप जे वो LNJP जो उसकी है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की, तीनों ने इस पर विरोध किया। ये बहुत अच्छी बात है, इससे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। पार्ट गठबंधन में आने का मतलब एक पार्टी की विचारधारा की मानसिक गुलामी से नहीं होता है, अपनी बात मुखर होकर रखनी चाहिए। इसी तरह का निर्णय RSS वाला है, ये केवल मुद्दों से ध्यान रहेगा या ये सरकार गिरने की जो नैरेटिव बन रहा है वो जिंदा रहेंगी? लोकतंत्र जिंदा रहेगा या ये सरकार गिरने की जो आपकी उम्मीदें वो भी जिंदा रहेंगी? आज देखिए चिराग पासवान ने विरोध कर दिया, आज जयंत चौधरी ने विरोध कर दिया, ये चीजें, ये जो जब विरोध हो रहे हैं तो इससे आपके भी मन में लड्डू फूटते हैं कि भाई देखिए ये विरोध हो रहा है, ये अब ये विरोध और बढ़ जाए ये सरकार गिराने के काम में आएगा।